ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सुभाषितानी। ठीक है, सुभाषितानी का मतलब होता है कि जो कुछ अच्छी बातें जो आपको बताई जाती है, क्या होता है कि इस बात ये जो बातें होती है आपको क्या बताती है कि अच्छे थॉट बताती है, अच्छी एबिलिटी बताती है जो आपकी लाइफ में क्या होगा कि अच्छे काम देंगे, है ना, जिससे आपकी लाइफ में चेंजिंग आ सकता है। ठीक है, तो इस ये जो सुभाषितानी है इसमें आपको क्या क्या बताया गया है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कितने कितने सुभाषितानी है आपके सामने, 5 सुभाषितानी, 5 सुभाषितानी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, सुभाषितानी का मतलब आपको समझ में आया ना, मतलब गुड थॉट या जो कि क्या बोलते हैं वो एबिलिटी होता है जो आपके लाइफ में चेंजिंग ला सकती है, जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताती है करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका नॉलेज देती है। ठीक है, उसको ही हम लोग सुभाषितानी कहते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट सुभाषितानी का पहले मैं संस्कृत पढ़ती हूँ, उसके बाद मीनिंग बताती हूँ। ठीक है, हस्तस्य भूषणम दानम, स्त्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण की प्रयोजनम। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण की प्रयोजनम। अब देखो, मैं पहले आपको एक का मीनिंग बताता हूँ। हस्तस्य मतलब होता है हैंड, ठीक है, ऑफ द हैंड। भूषणम मीन्स हो गया आपका ऑर्नामेंट, दानम मीन्स हो गया आपको वो जो आप दान देते हो वो या फिर डोनेशन। सत्यम मतलब सत्य, सच। कंठस्य मतलब थ्रोट, भूषणम मीन्स ऑर्नामेंट। श्रुतस्य मीन्स ईयर, भूषणम मीन्स ऑर्नामेंट। शास्त्रम मीन्स अच्छी बातें का ज्ञान, गुड नॉलेज। फिर प्रयोजनम मतलब क्या जरूरत है। ठीक है, तो पूरा का मीनिंग क्या बनेगा, ऑर्नामेंट ऑफ हस्तस्य भूषणम दानम मीन्स द ऑर्नामेंट ऑफ हैंड इज डोनेशन। हाथ का आभूषण वो नहीं है कि आप गोल्ड बैंगल्स पहन लो, गोल्ड ब्रेसलेट पहन लो, ये हाथों का ऑर्नामेंट या ज्वेलरी या नहीं है। सच मानो तो आपके हैंड का ऑर्नामेंट या फिर ज्वेलरी क्या है, जब आप कुछ डोनेशन देते हो, किसी को दान देते हो, तो वो ही होता है आपका सच्चा ज्वेलरी हैंड का। ठीक है, सेकेंड लाइन देखो, सत्यम कंठस्य भूषणम मतलब आपका जो कंठ, जो थ्रोट है उसका अब ज्वेलरी क्या है, सच है ना। जब आप सच बोलते हो, ट्रूथ बोलते हो, तो वही हम लोगों के थ्रोट का आभूषणम है। ठीक है, द ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोट इज ट्रूथ, द ऑर्नामेंट ऑफ हैंड इज डोनेशन, द ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोट इज ट्रूथ। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम मीन्स द ऑर्नामेंट ऑफ ईयर इज नॉलेज। ठीक है, जो जो ईयर है उसका, जो ईयर है हम लोगों का उसका ऑर्नामेंट मीन्स ज्वेलरी क्या है, उसका ज्वेलरी है नॉलेज, अच्छी बातों को सुनना। ठीक है, गुड नॉलेज। भूषण किम प्रयोजनम, तो इसका कहना है कि तो हम लोगों को ऑर्नामेंट्स की क्या जरूरत है, देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑर्नामेंट्स। ठीक है, यानी इस सुभाषितानी में बताया गया है कि हम लोगों को हाथ का आभूषण या ज्वेलरी क्या है, दान करना। कंठ का आभूषण क्या है, सत्य बोलना। कान का आभूषण क्या है, अच्छी बातों का नॉलेज सुनना। फिर हम लोगों को आभूषण की क्या आवश्यकता है, हम लोगों को आभूषण की क्या आवश्यकता है। ठीक है, इसे देखो मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, द ऑर्नामेंट ऑफ हैंड इज डोनेशन। ठीक है, फिर द ऑर्नामेंट ऑफ द थ्रोट इज ट्रूथ, द ऑर्नामेंट ऑफ ईयर इज नॉलेज, देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ ऑर्नामेंट्स। अंडरस्टूड, ये क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज द ऑर्नामेंट ऑफ हैंड, आप क्या बोलोगे, डोनेशन। व्हाट इज द ऑर्नामेंट ऑफ थ्रोट, ट्रूथ। व्हाट इज द ऑर्नामेंट ऑफ ईयर, गुड नॉलेज। भूषण हो गया, यह आप लोगों का फर्स्ट सुभाषितानी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकेंड सुभाषितानी में। ओके, चलो आपका सेकेंड जो है वो इधर है, ये रहा। देखो मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। काका कृष्णा पिका, कृष्णा को भेद काक पिकयो, काका कृष्णा पिका, कृष्णा को भेद काक पिकयो, वसंत समये प्राप्ते काका काका पिका पिका। ठीक है, वसंत समये प्राप्त काका काका पिका पिका। अब मैं पहले आपको मीनिंग बता देती हूँ। ठीक है, काका का मतलब होता है क्रो,
कृष्णा का मतलब होता है ब्लैक, पीका का मतलब होता है कुकू, ठीक है। फिर वसंत समय मतलब इन द स्प्रिंग सीजन, ठीक है। अब मैं इसका मीनिंग बताती हूँ। आपको पता है ना कि क्रो और कुकू दोनों का कलर ब्लैक होता है बेटा, तो सुबह सीता ने भी यही बताया गया है कि काका पीका मीन्स द क्रो इज़ ब्लैक द कुकू इज़ ब्लैक, मतलब कौवा भी काला है कोयल भी काला है, को भेद काक पी कयो, ठीक है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ क्रो एंड कुकू, देखो क्रो भी ब्लैक है और कौन कुकू भी ब्लैक है, तो ये बोलता है कि फिर क्रो और कुकू में क्या डिफरेंसेज है, क्या भेद है। वसंत समय प्राप्त काका पीका पीका, तब यहाँ पे कहा गया है कि जब स्प्रिंग सीजन होता है व्हेन स्प्रिंग सीजन अराइव अ क्रो इज क्रो एंड कुकू इज कुकू, जब स्प्रिंग सीजन होता है तो आपको कुकू की आवाज़ सुनाई देती है ना मैंगो के ट्री के पास से या किसी भी ट्री के पास से, तो वो कुहू कुहू ही बोलेगा, लेकिन क्रो कुहू कुहू नहीं बोल सकता है, वो काँ काँ ही बोलेगा। तो जब स्प्रिंग सीजन आता है तो क्रो और कुकू में डिफरेंसेस पता चल जाता है, ठीक है। पहले मैं हिंदी में बोलती हूँ, देखो कौवे का कौवा और कोयल दोनों काला है, तो फिर कौवे और काले में कौवे और कोयल में क्या भेद है। जब वसंत ऋतु आता है तो कौवा कौवा है और कोयल कोयल। अब इंग्लिश में सुनो, अ क्रो इज ब्लैक अ कुकू इज ब्लैक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रो एंड कुकू, व्हेन स्प्रिंग टाइम अराइव्स अ क्रो इज क्रो बट अ कुकू इज अ कुकू। बेटा इस सुबह सितानी के माध्यम से हम लोगों को ये बताया गया है कि मनुष्य ही सभी है, ठीक है। तो आप अच्छे मनुष्य और बुरे मनुष्य का पहचान कैसे करोगे, जब आपको कोई बुरा समय आएगा कोई आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो जो बैड पीपल हैं वो आपका हेल्प नहीं करेंगे, आपको कुछ कुछ बोलकर चले जाएंगे और ख़राब बात, लेकिन जो अच्छे पीपल होंगे अच्छे आदमी होंगे वो आपका हेल्प करेंगे, वो मदद करेंगे। मतलब कि कौन अच्छा आदमी और कौन बुरा आदमी है इसका फ़र्क आपको कब पता चलता है, आपको तब पता चलेगा जब स्प्रिंग सीजन आएगा, ठीक है। तो कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होता है, ठीक है। इसी तरह अच्छे आदमी और बुरे आदमी का पता कब चलता है, जब आप मुसीबत में हो अच्छा आदमी आपकी हमेशा मदद करेगा, जबकि जो बैड आदमी बैड पीपल हैं वो आपको कुछ कुछ बैड वर्ड्स कहकर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर में, ठीक है। यथा चितम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, चिते वाण्याम क्रियायाम च साधुनाम में एक रूपता, ठीक है। यथा चितम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया, चिते वाण्याम क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। अब देखो इस सुबह सितानी में पहले मैं मीनिंग बता दूँ आप लोग का, ठीक है। देखो इसमें मीनिंग होगा, सबसे पहले आपको यथा मतलब जैसे लाइक, ठीक है लाइक। फिर चितम मतलब होता है आपका माइंड, चितम मतलब क्या होगा माइंड, ठीक है। फिर आपका वाचा मतलब होता है स्पीच जो आप बोलते हो, ठीक है। क्रिया मतलब होता है आप जो काम करते हो एक्शन, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा चिता मतलब हो गया आपका क्रिया मतलब हो गया एक्शन, चिते मतलब हो गया आपका माइंड, वाण्याम मीन्स होता है इन स्पीच जो आप बोलते हो, ठीक है। वाण्याम मीन्स क्या होगा ये देखो, वाण्याम मीन्स क्या होगा स्पीच, क्रियायाम आप मीन्स आपका एक्शन, ठीक है। साधु नाम नाम एक रूपता मीन्स जो गुड पीपल होते हैं उनको साधु नाम बोलते हैं, ठीक है। अब मीनिंग सुनिए, हिंदी में आप बोलो तो ऐसा नाम ऐसा बोल सकते हो कि जो अच्छे पीपल होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं उनका क्या होता है कि जैसा दिमाग होता है माइंड होता है वैसा उसकी जो आप सोचोगे वही तो बोलोगे ना, तो ऐसा बोल रहा है कि जैसा अच्छे लोग जो होते हैं जैसा उनकी अच्छी सोच होती है, क्यों क्योंकि वो अच्छा सोचते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि उनके काम भी अच्छे होते हैं, क्योंकि जब हम दिमाग से अच्छा सोचेंगे हमारा काम अच्छा होगा, ठीक है, हम अच्छा बोलेंगे। क्या होता है कि तो ऐसा बोल रहा है देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन द थॉट स्पीच एंड एक्शन और गुड पीपल, मतलब जो अच्छे आदमी होते हैं उनका क्या होता है कि सब एक सा होता है, क्या क्या एक सा होता है उन लोगों का थॉट जो वो सोचते हैं स्पीच, ठीक है, जो वो बोलते हैं और वो जो काम करते हैं
उनकी सोच, उनकी बोली, उनकी क्रिया तीनों एक जैसी होती है, कभी भी नहीं बदलती है। ठीक है, तो हिंदी का क्या मीनिंग हुआ इसका, कि जो साधु रूप होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति, उनका जो सोच है, उनकी जो बोली है और उनके जो काम है, वो कभी नहीं बदलते, हमेशा एक जैसे रहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलो तो क्या, इंग्लिश में बोलो तो क्या बोलोगे, कि जस्ट एज द माइंड एज द स्पीच, जस्ट एज द स्पीच इज द एक्शन इज, ठीक है, देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन द थॉट स्पीच एंड एक्शन ऑफ गुड पीपल। ठीक है, अब ऐसा बोलोगे कि जो गुड पीपल हैं, गुड उनके क्या होते हैं कि स्पीच, एक्शन और थॉट में यूनिफॉर्मिटी होती है, मीन्स हमेशा एक समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्व तीर्थ मई माता सर्व देव मय पिता मातरम पितरम तस्मात सर्व यत्नेन पूजियेत। ठीक है, फिर से सुनो, सर्व तीर्थ मई माता सर्व देव मय पिता मातरम पितरम तस्मात सर्व यत्नेन पूजियेत। ठीक है, अब मीनिंग पहले सुन लो। ठीक है, इसमें कहना है कि इसका मीनिंग यह हो गया कि जैसे कि आपके आपको देखो सर्व तीर्थमयी माता, एक मिनट, हाँ आप देखो सर्व तीर्थमयी माता मीन्स आपको आपकी जो माँ है वो क्या है, तीर्थ के समान है। ठीक है, आप जो तीर्थ यात्रा करते हो ना, वो उससे जो फल मिलता है, ठीक है, आप अगर अपनी माँ की सेवा करोगे तो वो उसी के समान है। ठीक है, फिर हो गया, मतलब आपकी जो माँ है वो सिंबल क्या है, पिलग्रिमेज के समान है, मतलब कि वो जो आप तीर्थ यात्रा करके जो फल लोगे, अपनी माँ का सेवा करके आप ले सकते हो। सर्व देवमय पिता मीन्स सभी देवता के समान क्या है, आपके पिता हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप अपने माता पिता का यत्न पूर्वक पूजा करोगे, वर्शिप करोगे, तो आपको सब तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि आपने सब अच्छे काम कर लिए। क्या होगा, तो आपने सब अच्छे काम कर लिए, तो आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, मदर इज़ द सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेज मीन्स आप जितनी भी तीर्थ यात्रा कराओ, माँ उसका सिंबल है। ठीक है, कि माँ को अगर आप रिस्पेक्ट करते हो, आदर करते हो, उसकी बात मानते हो तो वो यात्रा के, तीर्थ यात्रा के समान है। मदर इज़ द सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेज। ठीक है, फादर इज़ द सिंबल ऑफ ऑल गॉड्स। अगर आप भगवान को देखना चाहते हो तो किस में देखोगे, अपने फादर में देखोगे। देयरफोर हम लोगों को क्या करना चाहिए, वन मस्ट मेक ऑल एफर्ट्स टू वर्शिप मदर एंड फादर। हम लोगों को अपने माता पिता का यत्नपूर्वक वर्शिप करना चाहिए या पूजा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप माता की पूजा करोगे तो पिलग्रिमेज के समान फल मिलेगा, अगर पिता की सेवा करोगे तो वो खुद ही गॉड के समान है। ठीक है, तो मदर इज़ द सिंबल ऑफ ऑल पिलग्रिमेज, फादर इज़ द सिंबल ऑफ ऑल गॉड्स, देयरफोर वी मस्ट मेक ऑल एफर्ट्स टू वर्शिप मदर एंड फादर। ओके, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, सुखार्थी त्यजेत विद्याम विद्यार्थी त्यजेत सुखम, सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम। ठीक है, अब देखो, सुखार्थी त्यजेत विद्या, यहाँ सुखार्थी का मतलब हो गया जो सुख चाहने वाले हैं, जो आराम चाहने वाले हैं, ठीक है, उसको सुखार्थी कहते हैं। त्यजेत का अर्थ होता है बेटा कि मतलब कि त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लीव कर देना चाहिए। ठीक है, फिर आपका विद्यार्थी तो जानते ही हो, त्यजेत मतलब छोड़ना होता है। ठीक है, छोड़ना है, गिव अप करना, लीव करना। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग यह हुआ कि अगर जो सुख चाहता है, ठीक है, अ पर्सन हु डिज़ायर्ड कम्फर्ट, ठीक है, मस्ट गिव अप नॉलेज, उसको अपने नॉलेज का को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई सुख चाहता है तो वो ये ना सोचे कि उसे नॉलेज मिलेगा, विद्या मिलेगा, जानकारी मिलेगी, है ना, उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, सुख चाहने वाले चाहने वाले को क्या छोड़ देना चाहिए, विद्या या फिर नॉलेज छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी हैं उनको अपना सुख त्याग देना चाहिए। आप स्टूडेंट हो तो आपको ज़्यादा आराम नहीं सोचना चाहिए बेटा, आपको क्या करना चाहिए,
सुख छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप जितना कंफर्ट लेवल पे रहोगे ना उतना कम जानोगे, कम पढ़ाई करोगे, ठीक है। अगर कंफर्ट लेवल से बाहर आओगे तो ही आप अपनी पढ़ाई अच्छा से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आपका है, सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम, मतलब जो सुख चाहने वाले हैं, जो सुख का डिज़ायर करते हैं उनको नॉलेज नहीं मिलेगी, और क्या है, जो नॉलेज चाहते हैं उसको सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या मतलब है कि आप ऐसे कह सकते हो, फ्रॉम वेयर कैन वन डिज़ायरिंग कम्फर्ट गेट नॉलेज एंड फ्रॉम वेयर कैन वन डिज़ायरिंग नॉलेज गेट कम्फर्ट, ठीक है। जो सुख चाहते हैं उसको विद्या नहीं मिलते हैं, और जो विद्या चाहते हैं उसको सुख नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक बार इंग्लिश में बोल रही हूँ, इंग्लिश में सुना। अ पर्सन हु डिज़ायर कम्फर्ट ही मस्ट गिव अप नॉलेज, ठीक है, एंड अ पर्सन हु डिज़ायर नॉलेज ही मस्ट गिव अप कम्फर्ट, ठीक है। बिकॉज हु डिज़ायर कम्फर्ट गेट नॉलेज, बिकॉज फ्रॉम वेयर कैन वन डिज़ायरिंग कम्फर्ट गेट नॉलेज एंड फ्रॉम वेयर हाउ कैन वन डिज़ायरिंग नॉलेज गेट कम्फर्ट, मीन्स क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो सुख चाहने वाले हैं उसको विद्या मिले, जो विद्या चाहने वाले हैं उसको सुख मिले। विद्यार्थी को सुख कहाँ और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, ठीक है। अंडरस्टूड, आई थिंक ये सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं भी क्लियर हो रहा तो हम लोग जब जूम में मिलेंगे ना तो मैं क्लियर सबका कर दूंगी, है ना। अभी मैं फिर से बोलती हूँ, एक बार ध्यान से सुनो, ठीक है। सुखार्थी ना त्यजेत विद्या, मीन्स जो सुख चाहने वाले हैं जो, तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपना अब नॉलेज का त्याग कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। अ पर्सन हु डिज़ायर कम्फर्ट्स मस्ट गिव अप नॉलेज, ठीक है। और विद्यार्थी त्यजेत सुखम, और क्या है कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट है, उसे क्या करना चाहिए, आराम त्याग देना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब क्या है कि अ पर्सन हु डिज़ायर नॉलेज, जिसको नॉलेज पाना है वो क्या करना चाहिए, उन लोगों को कम्फर्ट गिव अप कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्रॉम वेयर कैन वन डिज़ायरिंग कम्फर्ट गेट नॉलेज एंड फ्रॉम वेयर वन कैन डिज़ायरिंग नॉलेज गेट कम्फर्ट, क्योंकि जो सुख चाहते हैं उनको विद्या नहीं मिलती और जो विद्या चाहते हैं उसको सुख नहीं मिलता, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको, अब इसका मीनिंग बता देती हूँ आपको, जो निष्ठ है। हस्तासी मीन्स ऑफ हैंड, मतलब हाथों का। भूषणम मीन्स हो गया आपका ऑर्नामेंट्स, मीन्स ज्वेलरी। कंठस्थ मतलब हो गया ऑफ नेक। श्रोतस मतलब हो गया ऑफ ईयर, ठीक है। एंड प्रयोजना मीन्स हो गया पर्पस। पिका मीन्स हो गया आपका कुकू। भेद मीन्स हो गया डिफरेंसेस, ठीक है। और यथा मीन्स हो गया लाइक। वाचा मीन्स हो गया स्पीच। त्यजेत मीन्स हो गया लिव करना। और कुता मीन्स फ्रॉम वेयर, कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको क्या करती हूँ, एक बार फिर से सब एक एक मीनिंग बताते जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। मीनिंग बताते जा रही हूँ और साथ में आपको उसका मैं अर्थ भी बताते जाती हूँ, लास्ट टाइम अच्छा से सुन लेना। हस्तास्य पहले सुभाषितानी का मीनिंग मैंने बताया आपको, कि जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएं, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ो, नॉलेज दे, ठीक है, उसी को सुभाषितानी कहते हैं। हस्तास्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण की प्रयोजनम। तो मतलब हाथों का आभूषण दान करना होता है, कानों कंठ का आभूषण सत्य बोलना होता है, फिर सुनने कान का आभूषण अच्छी बातों को, नॉलेज को प्राप्त करना होता है, तब हमें आभूषण की क्या आवश्यकता, ज्वेलरी की क्या आवश्यकता, ठीक है। द ऑर्नामेंट्स ऑफ हैंड इज डोनेशन, हस्तस्य भूषणम दानम, द ऑर्नामेंट्स ऑफ हैंड इज डोनेशन, सत्यम कंठस्य भूषणम, द ऑर्नामेंट्स ऑफ थ्रोट इज ट्रूथ, श्रोतस्य भूषणम दानम मीन्स श्रोतस्य भूषणम दानम, द ज्वेलरी ऑफ ईयर इज नॉलेज, भूषणम किम प्रयोजनम, देन वाट यूज ऑफ अदर ऑर्नामेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, काका पी काका कृष्णा पिका, कृष्णा को भेद काक पिकियो, वसंत समय प्राप्त काका काका पिका पिका, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि अ क्रो इज ब्लैक एंड अ कुकू इज ब्लैक, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रो एंड अ कुकू, व्हेन स्प्रिंग टाइम अराइव अ क्रो इज क्रो एंड अ कुकू इज कुकू। इस सुभाषितानी के माध्यम से बेटा हम लोगों को अच्छे आदमी और बुरे आदमी में अंतर करना बताया गया है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है
कि कोयल भी काला है और कौवा भी काला है, लेकिन इन लोगों दोनों में कोई भेद नहीं ऐसा लगता है। लेकिन जब वसंत का समय आता है तो कोयल कोयल होती है, उसकी कू कू की आवाज़ सबको खुश कर देती है, कौवा के काँव काँव सबको, जबकि कौवा काँव काँव ही करता रह जाता है। ठीक है, मतलब आपको अच्छे बुरे आदमी की पहचान कब होगी, जब आप प्रॉब्लम में हो, मुसीबत में हो, तो पता चलेगा